मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉस्ट ट्रैवलर मनोज में। तो अभी जस्ट सो के उठा हूं और टाइम हुआ है सुबह के लगभग 5 बजे और आज है सुपर संडे यानी रेस्ट डे जिसके लिए हम आए हैं। तो जल्दी से तैयार होते हैं, फ्रेश रेस होते हैं और उसके बाद चलते हैं इवेंट की ओर। रूम काफ़ी अच्छा था लेकिन जैसा कि होता है इवेंट से पहले नींद नहीं आती अच्छे ढंग से, पता नहीं ऐसा लगता है अभी जो उठेंगे तो इस वजह से एक्साइटमेंट में जो है नींद नहीं आती। तो पता नहीं बाहर का मौसम कैसा है। वैसे तो ये मानसून मैराथन रहती है तो 2018 और 19 में तो काफ़ी तगड़ी बारिश हुई थी रेस्ट डे के लिए। तो अभी पता नहीं बाहर का मौसम कैसा है, अगर बारिश हो रही होगी तो मॉइस्चर होगा तो रनिंग थोड़ा आसान होगी, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो काफ़ी उमस होगी जिस वजह से डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद बाहर जाके और दिखाते हैं आपको सुबह का नैनीताल कैसा है। मिलते हैं बस कुछ देर में। तो गाइस हो चुके हैं पूरी तरीके से तैयार इवेंट की जगह पर जाने के लिए, बैग हैग सब रेडी कर लिए हैं, बस 5 मिनट में निकलते हैं यहाँ से। तो ये था कल रात हमारा नैनीताल में रूम जो कि है फ्लैटिस होटल में। अगर आप भी कभी नैनीताल आए हैं तो ज़रूर से फ्लैटिस होटल में विजिट करें, यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूम्स आपको मिलेंगे। हालांकि हमें ये रूम जो है रेस ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से प्रोवाइड कराया गया था, रेसर लोगों के द्वारा और रेड बुल लीग के द्वारा। चलते हैं थोड़ी देर में निकलते हैं। दोस्तों अब निकलते हैं रूम से। खतरनाक ज्यादा हो रहा है, बाहर हो गया 6:30 होने वाले। अरे ये खुला ही नहीं है भैया। भैया तो दोस्तों बस इवेंट की जगह पर मैं पहुंचने ही वाला हूं, थोड़ी सी दूर हूं इवेंट की जगह से। तो चलते हैं इवेंट की जगह में और दिखाते हैं आपको जो नैनीताल माउंटेन मॉनसून मैराथन है उसका क्रेज कैसा होता है, क्योंकि ये 11th एडिशन है नैनीताल माउंटेन मानसून मैराथन का। इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ इंजरी की वजह से, लेकिन 2016, 2017, 2018 और 2019 में मैंने लगातार पार्टिसिपेट किया था और 2020 और 2021 में हुई नहीं थी, तो इस बार हो रही है तो काफ़ी बड़ी भी है और भीड़ भी काफ़ी है। और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है। किनारा करके जब बड़े कदम हमारे रास्ते भी चीर जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। चल बा लेट्स शो, चल बा लेट्स शो, चल बा लेट्स शो, चल बा। देख वो पहाड़ है खड़ा हुआ, तुझको है बुला रहा, ज्वाला तेरे अंदर समा रहा। क्या तू दौड़ेगा? क्या तू दौड़ेगा? क्या तू दौड़ेगा?
काटे हो दरार हो पानी की फुहार हो पत्थरों पे नंगे पांव दौड़ जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे। तो गाइस 21 किलोमीटर रेस स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ है इसलिए मैं आ गया हूँ आगे। यहाँ से थोड़ा अच्छे ढंग से कवर करूँगा क्योंकि वहाँ लगभग 100-150 से ज़्यादा ब्लॉगर और कैमरामैन खड़े हैं, तो मैं यहाँ से एकांत में अपना कैप्चर करूँगा कुछ अच्छे शॉट। और बता दूँ 21 किलोमीटर नैनीताल में दौड़ना भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ का ऑल्टीट्यूड 7000 से ऊपर जाता है और काफ़ी चढ़ाई भी है ट्रैक पर। बढ़िया बढ़िया चलते रहो। मंजिल है सामने दौड़ेंगे जान से रास्ते जीत जाएंगे जीत जाएंगे। लगभग मेरे हिसाब से जो फर्स्ट आएगा अगर अच्छा ग्रुप होगा तो मेरे हिसाब से 1:15 या 1:16 की टाइमिंग पड़ेगी उसकी, तो 1:15-16 के बाद ही हमें 21 वाले फिनिश करते हुए दिखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं फ़िलहाल रेस्ट पर चल रहा हूं अपनी स्पाइन इंजरी की वजह से, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना दौड़ूँ यहाँ। और ये नैनीताल माउंटेन मानसून मैराथन जो है वो मेरी फेवरेट है, फेवरेट प्लेस है, और मेरी पहली मैराथन भी यही थी क्योंकि मैंने यहीं से अपना मैराथन करियर स्टार्ट किया था। भाई पूरी व्यवस्था का जो है यहाँ पर हो रहा है प्रॉपर्ट इस बार, मतलब जिस चीज़ के लिए नैनीताल मानसून मैराथन जानी जाती है वो देख ही नहीं रहा। कल भी अरेंजमेंट में काफ़ी दिक्कतें थी, लगभग 3-4 घंटे सबको खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद भी इत्यादि नहीं मिले। और अब भी सवेरे भी वही हाल है, ढेर सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं, वो यहाँ इतनी दूर से दौड़ने आए हैं लेकिन उनको भी नहीं मिली, किसी का नाम ही नहीं आया है। तो वही, और 10 किलोमीटर का ऐसा हुआ, मुझे लगा कि जहाँ को 21 किलोमीटर हो रही है वहीं को 10 किलोमीटर भी हो रही है, तो जो है मैं उधर ही चला गया कवर करने के लिए, लेकिन 10 किलोमीटर इस तरफ को चली गई बाईं तरफ को। और 5 किलोमीटर के लिए अभी बोल रहे हैं कि 1 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पूरा रायता फैला रखा है रात वाला, क्योंकि लगभग आधे जो पार्टिसिपेट हैं उनको इन्होंने बिप नहीं दी थी, उनको केवल बिप नंबर दिए थे और बिप उनको अभी तक मिली नहीं है, तो पता नहीं कभी होगी वो 5 किलोमीटर वाली रेस। 1 घंटा यानी मुझे लगता है तब तक 21 किलोमीटर वाले आ जाएंगे और उसके बाद 5 किलोमीटर होगी, अभी तो रूट ही पता नहीं है 5 किलोमीटर वालों को, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो 5 किलोमीटर में ही देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से लगभग 200-250 लोग होंगे 5 किलोमीटर में, अगर सबको बिप मिल गया और सब दौड़ेंगे तो। और 10 किलोमीटर में भी मुझे ज़्यादा कॉम्पिटिशन लगा नहीं इस बार क्योंकि रनर्स तो हम काफ़ी आए थे लेकिन शायद आधे लोगों को बिप नहीं मिला या शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है उन्हें, तो यही हो रहा है। थोड़ा सा व्यवस्था अगर सही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन 1 या 2 दिन पहले बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले लोगों ने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, फिर बाद में ऑनलाइन क्लोज करने के बाद इन्होंने लास्ट दिन ऑफलाइन भी खोल दिए। एक और चीज़ जो इन्होंने गलत की, पहले इन्होंने कल ढेर सारे रजिस्ट्रेशन किए 5 किलोमीटर में
बाद में 2-2.5 घंटे बाद इन्होंने फैसला किया कि जो 5 किलोमीटर के आज के रजिस्ट्रेशन है कल किए इन्होंने, उसे इन्होंने 2 किलोमीटर पर बदल दिया। यानी 5 किलोमीटर वाले अब 2 किलोमीटर दौड़ेंगे। यानी लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, पिथौरागढ़ से, बागेश्वर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से भी आए हैं लोग और 5 किलोमीटर दौड़ने आए हैं। अब इन्होंने 2 किलोमीटर कर दिया। अब उन्हें कुछ पता नहीं है प्राइस क्या है, इसमें प्लेस बनेगी क्या बनेगी, पता नहीं क्या ही कर रखा है इन्होंने इस बार। वैसे नैनीताल माउंटेन मानसून मैराथन जो है बहुत ही शानदार व्यवस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार तो आधी कर रखी है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। हाँ हाँ मार के जाएंगे। तो मैं तो प्लान ही नहीं जाएगी।
सभी जन समुदाय बजाएंगे। द्वितीय स्थान इन्होंने हासिल किया है और इस समय ये सभी ने इनको भेंट किया जा रहा है। तृतीय स्थान पर रहे शिवा कुंडू, शिवा कुंडू के लिए जोरदार तालियां। शिवा कुंडू कृपया अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ये चेक आपको दिया जा रहा है सविनय के रूप में, तो कृपया इस भेंट को आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमरों से स्वीकार करेंगे। वीरेंद्र कुमार जो चौथे स्थान पर रहे हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाना है। वीरेंद्र जी कृपया अपना पुरस्कार लेने के लिए आप मंच पर उपस्थित होंगे। जोरदार तालियों से वीरेंद्र जी का स्वागत कीजिएगा। पंचम स्थान हासिल किया है राघव शर्मा ने, राघव शर्मा के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे और राघव शर्मा इस समय मुख्यमंत्री महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। जी, प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय 25,000, तृतीय 15,000, चतुर्थ 10,000 और पंचम 5,000। और अब महिला संवर्ग। महिला संवर्ग में एकता इस वर्ष की विजेता हुई है, एकता के लिए जोरदार तालियां। एकता जी आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। एकता के लिए जोरदार तालियां। देखिएगा, इन्होंने इस वर्ष 21 किलोमीटर की दौड़ का विजेता होने का गौरव हासिल किया है और इनके पुरस्कार राशि है 25,000। 25,000 की ये पुरस्कार राशि एकता को भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। अर्पिता सैनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अर्पिता आप अपना पुरस्कार लेने के लिए कृपया इस भेंट को प्राप्त करने के लिए मंच पर उपस्थित हो। एकता और द्वितीय पुरस्कार स्वरूप इन्हें द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए का नकद है और तृतीय पुरस्कार 10,000। स्नेहल तृतीय पुरस्कार, स्नेहल इस वर्ष तृतीय पोजिशन पर आई है। स्नेहल के लिए जोरदार तालियां और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक बार हमारी ये खिलाड़ी पुरस्कृत हो रही है। जोरदार तालियां स्नेहल बिस्ट के लिए। और ये 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन थी। तृतीय पुरस्कार 10,000, चतुर्थ पुरस्कार 7,000। और रूबी कश्यप चतुर्थ स्थान पर रही है। रूबी का जोरदार तालियों से स्वागत। रूबी आप आइएगा और अपने पुरस्कार की राशि प्राप्त कीजिएगा। रूबी कश्यप, रूबी अगर नहीं है तो मनीषा जिनको की पांचवा स्थान हासिल हुआ है, मनीषा कृपया आप अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगी। मनीषा भी संभवतः यहाँ पर नहीं है, जबकि चरण सिंह जी से हम निवेदन करेंगे और जो वेटेड कैटेगरी में है और चरण सिंह जी इस समय उपस्थित हो चुके हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। चरण सिंह के बाद हमारे कैलाश मेहरा जी आएंगे अपना पुरस्कार लेने के लिए, कृपया अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। कैलाश मेहरा जी और उसके बाद नवीन चंद्रा जी अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तालियां जरूर बजाइएगा क्योंकि ये इतनी बड़ी दौड़ है, उसमें विजेता हुए हैं। उसके बाद अगले पुरस्कार विजेता हैं शिवेन सिंह। शिवेन सिंह जी आप अपना पुरस्कार लेंगे। जोरदार तालियों से हमारे इन खिलाड़ी का आप उत्साह वर्धन कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के कर कमलों से इन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। अशोक कुमार शर्मा जी अगले पुरस्कार विजेता हैं। अशोक कुमार शर्मा जी कृपया अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे और देखिएगा ये वेटन प्लेयर हमारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनको इस समय पुरस्कृत किया जा रहा है। जबकि श्रृंखला में अगला पुरस्कार है GCS बिजली के लिए, कृपया GCS बिजली आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे।